प्रेशर और वॉल्यूम का आपने क्या लिया? तो इनकी वैल्यूज आई कांस्टेंट, मतलब अगर इन सब की वैल्यू सेम आई, फॉर एग्जांपल अगर पहले पी और वी को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है फॉर एग्जांपल 20 आता है, दूसरे को भी करते हैं 20 आता है, सबको करें अगर 20 आए तो इट्स मीन उसने रीडिंग केयरफुली ली है। अगर क्योंकि पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है बॉयल्स लॉ की कंडीशन के मुताबिक, ठीक है, अगर इनकी वैल्यूज़ वेरी करें तो फिर हम ये कहेंगे कि उसने डाटा जो है वो केयरफुली नहीं लिया। तो इसको हम देखते हैं वन बाय वन। ये देखें, अगर पहला पी वन और वी वन को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 14 1400, ठीक है, दूसरे का किया है 14 1440, देन 14 1360, और इसी तरह आप देखते जाए तो सब का जो है आंसर है वो डिफरेंट आ रहा है। जब सब का आंसर डिफरेंट आ रहा है तो हम ये कह सकते हैं पी वन वी वन इज़ नॉट इक्वल टू पी टू वी टू, पी टू वी टू इज़ नॉट इक्वल टू पी थ्री वी थ्री, एंड इसी तरह या सिमिलरली नॉट इक्वल टू पी फोर एंड वी फोर। थस द कैलकुलेटेड रिजल्ट डज नॉट एग्री विद द प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, ठीक है। कंक्लूजन क्या है जी, स्टूडेंट्स ने डाटा केयरलेसली नोट किया है, प्रॉपरली नोट नहीं किया। अच्छा जी, दोबारा हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। द वाटर लेवल इन एन एक्वेरियम डिक्रीज स्लोली इवन, ओके जी, कहते हैं कि एक टैंक है वाटर का, उसमें क्या है आहिस्ता आहिस्ता जो है वो वाटर जो है लेवल कम हो रहा है, इवन के टैंक लीक भी नहीं है, तो उसमें से वाटर कहाँ पे जा रहा है? तो जाहिर सी बात है वेपराइजेशन का प्रोसेस होता है। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक कप धूप में भर के रख देते हैं तो थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे तो वाटर का लेवल जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि वाटर के जो वेपर्स हैं वो लिक्विड के जो वेपर हैं वो अवेपोरेट कर जाते हैं, वो एटमोसफियर में चले जाते हैं, जब वो अवेपोरेट करेंगे तो पानी का लेवल क्या हो जाएगा जी, डिक्रीज़ हो जाएगा। कहते हैं कि विच टाइप ऑफ एट्रैक्टिव फोर्सेज आर प्रेजेंट इन HF एंड HCl जी, HF में क्या होता है जी, HF में आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और HCl में आपकी डाइपोल फोर्सेस हैं, ये यहाँ पे शो की हुई हैं ये, ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और ये नीचे डाइपोल फोर्सेस हैं, ठीक है जी। अब दोबारा चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेम टू सब्सटेंस दैट आर सॉलिड एट 25 डिग्री सेल्सियस जी, और दो के जो लिक्विड हों, NaCl और AgNO3 जो हैं ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, और वाटर और एथेनॉल ये लिक्विड होते हैं, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। देन आगे क्वेश्चन है जी, आइडेंटिफाई द प्रोसेस अकरिंग इन द फॉलोइंग, माउथ बॉल स्लोली डिसअपीयर, सब्लिमेशन है जी, वो डायरेक्टली वेपर्स, सब्लिमेशन क्या होता है कि सॉलिड डायरेक्टली वेपर्स में चेंज हो जाता है विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड फेज, यानी कि इसमें लिक्विड नहीं होता, सॉलिड डायरेक्ट वेपर में चला जाता है और वेपर डायरेक्ट वापस सॉलिड में कंडेंस बैक होके आ जाता है। अच्छा जी, सेकंड में क्या है जी, सेकंड में सामने नज़र आ रहा है जी, ये कंडेंसेशन प्रोसेस है, ठीक है। आगे अगर हम चलते हैं, एन ऑटोक्लेव इज़ यूज्ड टू स्टरलाइज सर्जिकल इक्विपमेंट, इट इज़ फॉर मोर इफेक्टिव प्रोड्यूस स्टीम बाय ऑटोक्लेव देन स्टीम प्रोड्यूस फ्रॉम बॉइलिंग वाटर इन द एटमोसफियर बिकॉज इट जनरेट स्टीम एट अ प्रेशर ऑफ 280 एम, आर्ग्यू वाई ऑटोक्लेव इज, अच्छा कह रहा है कि ऑटोक्लेव जिस तरह आपका प्रेशर कुकर है, समझे प्रेशर कुकर ही है, ठीक है, तो वो कह रहे हैं वो दूसरे जो दूसरे में पानी में, जैसे हम एक ओपन कंटेनर है उसमें हम अगर पानी बॉयल करते हैं या बीकर वगैरह में पानी बॉयल करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है, या जो ऑटोक्लेव है वो ज़्यादा अच्छा है, वो उसने खुद ही बता दिया कि ऑटोक्लेव वाला यानी कि प्रेशर कुकर वाला ज़्यादा अच्छा है। तो वो ज़्यादा अच्छा क्यों है, क्योंकि उसमें स्टीम है, तो जो स्टीम होती है उसकी एनर्जी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू बॉइलिंग वाटर। आपने सुना होगा कि अगर प्रेशर कुकर वगैरह अगर फट जाए तो वो पानी अगर बंदे के ऊपर पड़े तो वो मैस वगैरह जो आपका स्किन होती है वो सारी जल जाती है, तो जो स्टीम होती है यानी कि जो प्रेशर कुकर के अंदर पानी जो होता है उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू बॉइलिंग वाटर, इस वजह से उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है तो वो अच्छे से इक्विपमेंट को स्टरलाइज कर सकता है, ठीक है। आगे जी, द
ये टेबल गिवन है, कहता है टेबल्स को देखते हुए ना आप आइडेंटिफाई करें कि सब्सटेंस ए बी सी डी क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। तो देखें पहले के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या है कि माइनस में है, तो इट्स मीन इसमें वेरी 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 वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, तो वो किस में होती हैं, वो गैस में होती हैं। दूसरा क्या है जी, मेल्टिंग जो है वो नेगेटिव में है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट प्लस में है, तो इट्स मीन थोड़ी इसमें अट्रैक्टिव फोर्सेज ए के मुकाबले में ज़्यादा हैं। ठीक है, तो अगर ज़्यादा है तो इट्स मीन ये लिक्विड होगा। इसी तरह सी पार्ट जो है, सी पार्ट में मेल्टिंग पॉइंट भी प्लस में है और बॉइलिंग पॉइंट भी प्लस में, यानी मैं इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं। ठीक है, तो इट्स मीन ये क्या है, ये सॉलिड होगा। और इसी तरह डी बी और डी बिल्कुल एक जैसे हैं, वो लिक्विड ही होंगे। ठीक है, राइट द फिजिकल स्टेट ऑफ ईच ऑफ सब्सटेंस एट रूम टेम्परेचर। ओके जी, हो गया। चूज सब्सटेंस दैट एग्जिस्ट एज अ लिक्विड फॉर द लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर। जी, कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर पे क्या रहेगा जी, लिक्विड में रहेगा। जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है वो किसका ज़्यादा है, डी वाले का। चूज ए सब्सटेंस दैट एग्जिस्ट एज ए लिक्विड फॉर द लॉन्गेस्ट। जी, हो गया ये। इंटरप्ट, व्हाट विल हैपन टू सब्सटेंस बी व्हेन इट हीटेड फ्रॉम 0 to 100 डिग्री सेल्सियस। इंटरप्ट, व्हाट विल हैपन टू द सब्सटेंस डी व्हेन इट कूल्ड फ्रॉम 100 to -10 डिग्री। देखें जब आप किसी को 0 से 100 डिग्री सेल्सियस पे कर रहे हैं हीट, ठीक है, जस्ट आप इसको छोड़ें, जस्ट आप देखें आप हीटिंग कर रहे हैं, जब आप हीटिंग कर रहे हैं तो वो क्या होगा, अगर वो सॉलिड है, मैं आपको इसका आंसर नहीं बता रहा बट आपको मैं क्लू दे रहा हूँ, अगर एक सॉलिड है उसको आप हीट करते हो तो वो क्या करेगा, लिक्विड में चेंज होगा। अगर उसको फर्दर आप हीट करते हो तो लिक्विड किस में चला जाएगा, वेपर्स में या गैस फेज में चला जाएगा। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन इसका और है, 100 डिग्री सेल्सियस टू -10, ये क्या है, ये कंडेंस हो रहा है, कंडेंसेशन हो रही है, यानी टेम्परेचर डिक्रीज कर, अगर वो पहले वेपर्स में था, ठीक है, आपने टेम्परेचर कम किया, टेम्परेचर कम करते करते जनाब आप ज़ीरो पे ले आए हो, फॉर एग्जांपल वाटर ही है, ठीक है, तो उसको अगर ज़ीरो पे ले आए हो, ज़ीरो के करीब तरीन ले आए हो, तो वो 100 से नीचे ले आए हो तो वो क्या हो जाएगा, लिक्विड। अगर लिक्विड है देन उसको टेम्परेचर ज़ीरो पे ले आए हो या 0 से नीचे ले आए हो तो वो क्या हो जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई। इसके मैंने आपको आंसर नहीं बताया बट आपको मैंने हिंट दे दिया और ये आपने खुद करना है। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बट बहुत ही आसान है, इसमें जो कंसेप्ट था वो मैंने आपको डिलीवर कर दिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।